हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सुखू सरकार एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के युवा घर बैठे हर महीने 20,000 से 1,00,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि ये योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने पर केंद्रित है। योजना के तहत प्रतिभागियों को 3 बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय और क्रमशः 5 और 10 बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपये और 1,00,000 प्रतिमाह मासिक आय प्राप्त होगी। जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी, उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40,00,000 का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है, सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40,00,000 में अगर मार्जिन मनी उसकी देखी लगेगी तो 10,00,000 लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिन मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40,00,000 के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का होता लगता है उसको 4,00,000 रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा, यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। 100 से 500 किलोवाट के लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12,00,000 रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये योजना सिर्फ स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए ये दूसरा चरण है। बता दें कि योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमिताशील के अवसर प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत वित्त पोषण में राज्य सरकार द्वारा 70% बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30% इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10% जमानत राशि जमा करवानी होगी। यह जमानत राशि 25 वर्षों के उपरांत डेवलपर को वापस कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार की यह योजना निश्चित तौर पर युवाओं के रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल खाली या बंजर पड़ी जमीन को उपयोग में लाया जा सकेगा बल्कि घर द्वार पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में प्रदेश की युवाओं को जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिमोट न्यूज़।